आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। हुस्न वालों की महफिल में नया हूँ, शर्मा रहा हूँ। तेरे मैखाने में पहला कदम है, घबरा रहा हूँ। BIT के हॉस्टलों, BHL में सेवाओं, उम्दा कंपनियों में सलाहकार के नाते और राजनीतिक गलियारों से गुजरते हुए मैं राकेश सूद हिदायतें देते देते शायर बन गया। इंसानियत मेरा ईमान, मोहब्बत मेरी पहचान और रश्क मेरा तकल्लुस। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए समझते हैं, करते हैं कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? शुक्रिया। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज एक नई सोच की गजल के चंदाचार लिए आपके सामने पेश कर रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मुलायदा फरमाइए। अर्ज किया है, ताल्लुक ही नहीं फिर ख्वाबों में आती क्यों हो, ताल्लुक ही नहीं फिर ख्वाबों में आती क्यों हो, मतलब गर नहीं तो हर रोज सताती क्यों हो, मतलब गर नहीं तो हर रोज सताती क्यों हो। राहें न जुदाएं हमारी, न मंजिलें अलग अलग, सच जमाने से बेवजह फिर छुपाती क्यों हो, सच जमाने से बेवजह फिर छुपाती क्यों हो, फौत हो गया कोई तेरा इंतजार करते करते, मर गया, फौत हो गया कोई तेरा इंतजार करते करते, बाद मरने के उसे आबे हयात पिलाती क्यों हो। अमृत, बात मरने के उसे आबे हयात पिलाती क्यों हो, फुर्सत में भी चेहरे से हिजाब हटाने नहीं देते। कमाल, देखिए क्या सुंदर चीज पिछकी। फुर्सत में भी चेहरे से हिजाब हटाने नहीं देती, हर शाम अकेले संग मेरे फिर बिताती क्यों, हर शाम अकेले संग मेरे फिर बिताती क्यों हो। कमाल का शेर है, देखिए सुनिए, मुलाहिज़ा फरमाइए, तवज्जो दीजिए शेर के ऊपर। बुझा देती हो चिराग अपने आगोश में लेकर, बुझा देती हो चिराग अपने आगोश में लेकर, रोज हर रात अंधेरों से मुझे यूं डराती क्यों। देखिए दोबारा पूछ लेता हूँ, बुझा देती हो चिराग अपने आगोश में लेकर, रोज हर रात अंधेरों से यूं मुझे डराती क्यों हो, जानता हूँ देखती हो चिलमन उठा उठा कर, जानता हूँ देखती हो चिलमन उठा उठा कर, रू रू होने पर यूं नजरें चुराती क्यों, रूबरू होने पर यूं नजरें चुराती क्यों हूँ। मकतब इश है, कहती फिरती हो रश्क से कोई मतलब नहीं। देखिए, कहती फिरती हो रश्क से कोई मतलब नहीं, बार बार संवर के फिर सामने आती क्यों, बार बार
संवर के फिर सामने आती क्यों हो, ताल्लुक ही नहीं फिर ख्वाबों में आती क्यों हो, मतलब गर नहीं तो हर रोज सताती क्यों हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।